आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन और विरोध के बीच एक बार फिर दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं और जबलपुर शहर के रद्दी चौक इलाके में जमकर बवाल हुआ। बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर रविवार को कुछ लोगों ने आधार ताल तिराहे से तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया था। तय कार्यक्रम के मुताबिक हाथों में तिरंगा लेकर सैकड़ों युवा आधार ताल से जैसे ही रद्दी चौक की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। यात्रा में शामिल लोग इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें समीप ही सीए के विरोध में चल रहे धरने के पास से यात्रा निकालने की अनुमति दी जाए, जिसके चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी देर तक तीखी नोकझोंक होती रही। इस दौरान सीए का विरोध करने वाले भी वहां पहुंच गए और देखते ही देखते दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान महिलाओं के बीच भी जमकर विवाद होने लगा और हालात इस कदर बिगड़े कि पत्थरबाजी होने लगी। इस पत्थरबाजी में कई गाड़ियां भी टूटी हैं। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध और समर्थन करने वालों के उग्र तेवरों को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला और भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि सीए के समर्थन में निकाली गई यात्रा में युवा बुजुर्ग से लेकर महिलाएं शामिल थी। सुरक्षा और विवाद की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने रद्दी चौक से करीब 1 किलोमीटर दूर बैरिकेड लगाकर रैली को ही रोक दिया था। वहीं रद्दी चौकी के दूसरी तरफ सीए के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। नाजुक स्थिति को देखते हुए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दरअसल पिछले एक सप्ताह से जबलपुर के गोहालपुर इलाके में सैकड़ों की तादाद में महिलाएं लगातार धरना देकर नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रही है। कलेक्टर भरत यादव के मुताबिक इस आंदोलन के लिए दी गई अनुमति की मियाद अब खत्म हो गई है, लिहाजा अब उन्हें धरने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन इस बीच तिरंगा यात्रा निकाल रहे सैकड़ों की तादाद में लोग सीए के खिलाफ चल रहे धरने के पास से रैली निकालने की जिद करने लगे, जिसके चलते हालात बिगड़ते चले गए। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन तनाव की स्थिति अभी भी निर्मित है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ये आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के तिरंगा यात्रा थी लोगों की, तिरंगा यात्रा की अनुमति जहाँ तक दी गई थी वहाँ तक उनको जाने दिया गया, लेकिन वो दूसरे क्षेत्र में जाना चाहते थे जहाँ दूसरा जो है पक्ष जो है इकट्ठा था और उनको समझाया गया। उनका कहना ये था कि दूसरा पक्ष भी जो है बैठा हुआ है कि महिलाएं बैठी हैं और अनशन कर रही हैं, उसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं ट्रैफिक में और साउंड हो रहा है बच्चों की परीक्षाएं, तो उनको बताया गया कि उनको अनुमति आज की नहीं है, कल तक उनको अनुमति थी, आगे हम अनुमति नहीं देंगे और उनको भी समझा के उठाएंगे। तो वो तैयार हो गए तो वापस जा रहे थे, तो कुछ जगह से थोड़ा बहुत पत्थरबाजी हुई है और फिर वो लोग निकल गए हैं और अभी फिर पुलिस बल और हम लोग सब लोग पहुंचे हैं। पूरी तरह से स्थिति ठीक है और सामान्य स्थिति है और आपके माध्यम से सभी से आग्रह यही है कि
पवित्र पवित्र दिन है, गणतंत्र के दिवस का दिन है, और ऐसे दिवस में भी अगर हम इस तरह से करेंगे तो क्या संस्कार धानी से हम क्या मैसेज दे रहे हैं? और सब लोग शांति बनाए रखें, सब लोग शांति बनाने में सहयोग करें। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, मुस्तैद हैं, और अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, पूरी तरह से देखते हुए।